हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय लाइफ। तो जस्ट अभी मैं उठ के आ रहा हूँ नीचे। अभी हम लोग जाने वाले हैं कहीं, तो कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने जाने वाले हैं, वो सब तो मैं आपको बता दूंगा। अरे यहाँ पर बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, यहाँ पर लिली की दिख रही होगी, इसमें मैं फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ। ये रही लिली, को बांध कर रखा है, क्योंकि क्यों बांध कर रखा है बता, मैं नहीं बताऊंगा। गाइस ये काफी ज्यादा लड़ रही है अपनी मम्मी से, है ना लिली, इसकी मम्मी मतलब चीनू ऊपर रखा है उसको। यार मैं आप लोगों को चीनू को भी दिखा देता हूँ, चलो चीनू जाऊंगा ना, इसलिए इसको बांध कर रखा है इस रस्सी से टेम्पररी। लिली नहीं लड़ रही है, ये लड़ रही है उससे। यार अभी ये लोग खाना खा रहे हैं, इसलिए ये लोग लड़ाई नहीं कर रहे। बाकी ये बहुत ज्यादा उसको मार रही है, ये तो कुछ नहीं कर रही, पर ये इसको देखना भी, ये देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये हमने गेहूं बीनने वाली रखी है औरत। आप लोगों को पता चल चुका होगा आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं अभी ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। गाइस अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ रेडी होने के लिए, या फिर रात हो जाएगी। तो मेरा ब्लॉग बर्बाद कर रही पीछे से। और हाँ, एक सीक्रेट बात है जो आप लोगों को नहीं पता है, अभी हम लोग रिवील कर देते हैं क्या बात है वो। तो हम लोग मार्केट क्यों जाने वाले हैं, मम्मी पापा के लिए गिफ्ट लेने। हम लोग जाने वाले हैं मम्मी पापा के लिए गिफ्ट लेने, और किसी को नहीं पता, तब किसी को क्या, मम्मी और पापा को नहीं पता क्या गिफ्ट लाने वाले हैं, वो आपको भी नहीं पता और हमें भी पता है। मतलब मेरा तो ये है कि जो चीज मैंने सोची वो मिल भी सकती, नहीं भी मिल सकती है, पर इसने जो सोचा है, मम्मी के लिए मंगलसूत्र और पापा के लिए रिंग। वो ये कम दिमाग वाले होते हैं लोग, पहले रिवील कर देते हैं क्या चीज लेना है। तो फिलहाल अभी हम लोग हो जाते हैं रेडी, उसके बाद निकलते हैं मार्केट के लिए। यार मैं तो हो चुका हूँ रेडी, और अभी मैं जाता हूँ नीचे, देखता हूँ दीदी रेडी हुई है या फिर नहीं। और यार मुझे पता है रेडी नहीं हुई होगी पक्के में, अभी भी देख सकते हो बिल्कुल। चीनू वर्सेस लिली हो रहा है यहाँ पर। गाइस ये अभी तक रेडी नहीं हुई, जो कि मैंने ऊपर आप लोगों को बता ही दिया था। आधा घंटा हो गया और अभी तक ये रेडी नहीं हुई है, इसको लग चुका है पूरा का पूरा एक घंटा। गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं, और सबसे पहले मैं जा रहा हूँ, मैंने सोचा हुआ है पापा के लिए कि वो हारमोनियम लेने वाला है। गाइस दीदी ने तो आप लोगों को बता ही दिया कि हम लोग क्या लेने वाले हैं, और ठंड मुझे काफी लग रही है, मैं जैकेट भी नहीं पहना हूँ, और ये तो अच्छे से मस्त आ गई। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शॉप पर, और यहाँ पर सारे के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये देख सकते हो तबला है, हारमोनियम है, गिटार है, और बाकी के नाम मुझे नहीं पता। तो यार मैं गिटार यहीं से लेने का सोच रहा हूँ, मतलब अभी नहीं बाद में, क्योंकि मेरा जो गिटार है ना वो भी टूट रहा है। जो मुझे हारमोनियम पसंद आया है वो देख सकते हो नीचे, ये रहा। हम लोगों ने खरीद लिया है पापा के लिए हारमोनियम, और पापा को मुझे पता है काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला, क्योंकि पापा को हारमोनियम बजाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो हम लोग जा रहे हैं मम्मी के लिए गिफ्ट लेने के लिए, बाहर हो चुका है अंधेरा, गिफ्ट थे वो यहाँ पर ला चुके हैं। और हाँ मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया शायद रास्ते में कि मम्मी के लिए क्या गिफ्ट लेकर आए, ये बाकी आप लोगों को पता ही है, कल एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी का गिफ्ट है ये। यार मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में नहीं बताया था, और हाँ ये तो मैंने आपको बताया नहीं, ये वाला गिफ्ट है फोन के साथ ही मिला हुआ, ठीक है ये मैं रख लूंगा। तो गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगा था वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर आज पहली बार आए हो। मिलते अगली वीडियो पर, तब तक बाय बाय, टेक केयर।